इधर शेड्यूल में एक शख्स से महाकालेश्वर भक्त निवास में कमरा बुक करवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। अब पीड़ित सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की शिकायत एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान से की। पीड़ित का आरोप है कि उसने 22 अक्टूबर को महाकालेश्वर भक्त निवास में कमरा बुक करवाने के लिए वेबसाइट में दिए नंबर पर संपर्क किया, जिसके बाद पंकज महाराज ने उनसे 3,750 रुपए जमा करवाए, लेकिन बुकिंग का कन्फर्म नहीं आया। इस प्रकार हमने तीन बार 1,250 भेजे, कुल मिलाकर 3,750 रुपये हो गए। क्या जानकारी आपके पास हुआ? तो उनने कोई बुकिंग का कंफर्मेशन नहीं दिया, और जब मैंने पैसे के बारे में बोला कि पैसे चाहिए मुझे अधिक, तो उनने गोलमोल जवाब में बोले कि अभी नहीं हो सकता है, अभी काम नहीं कर रहा है ना। फिर मैंने मुझे लगा कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूँ, और वो जो वेबसाइट है फर्जी वेबसाइट है, उसने के नाम पे किसी ने कालबाजी की है। तो मैंने कहा भी कि मैं पत्रकार हूं और मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। मैंने व्हाट्सएप पे सारी बातें लिखी, व्हाट्सएप के जरिए ही बातचीत हुई सारी चीजें। तो उन्हें बस मोबाइल बंद कर दिया, और फिर मजबूर होकर आज मैं फिर एडिशनल साहब से मिला, उनको आवेदन पत्र दिया है ना। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। ये आवेदक सुरेंद्र शर्मा जी के द्वारा साक्षा का एक आवेदन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा जैन में एक भक्त निवास में रात्रि विश्राम में तो कमरा बुक कराने के लिए एक साइट का प्रयोग किया गया। साइट के द्वारा, साइट पे जो नंबर दर्ज थे उनके द्वारा इनसे कुछ अमाउंट पे करने के लिए बताया गया, जिस पर उनके द्वारा दो तीन बार लगातार पेमेंट किया गया, परंतु बुकिंग के संबंध में कोई कन्फर्मेशन नहीं आया। उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और साइबर सेल द्वारा इसकी जाँच की जा रही, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।